हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम सोलन प्रो प्लस के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अब मैं आप लेके आया हूँ जो आज KPL T20 फाइनल का मैच खेला जाएगा, वो खेला जाएगा बेलगावी पैंथर वर्सेस बीजापुर बुल्स के बीच में। फ्रेंड्स, तो मैंने उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको प्लेइंग 11 और की प्लेयर की और कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन मिलेंगे। बट फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर आपको कोई ग्रैंड लीग की टीम लीग जीतनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह वॉच कीजिए, बिकॉज मैं इसमें आपको 20 न्यूज़ दूंगा और 2-3 कुछ एक्स्ट्रा ग्रैंड लीग टिप्स दूंगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए, तभी हो सकता है आपके लिए ग्रैंड लीग में एक लक अच्छा साबित हो सके। तो फ्रेंड्स, जो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग प्लेइंग 11 हो सकती है सेम, बट जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उसके बाद बात करें जो के गौतम है, इनका खेलने के चांस बहुत ही कम है, बट क्योंकि BCCI ने इन्हें बैन किया है तो इस मैच में इस टीम में अवेलेबल है, बट बहुत ही कम चांस है। तो उन्हें अगर आपको लेना तो रिस्क ले सकते हैं, बट ग्रैंड लीग पे। और उसके बाद मैं आपको पहले मैं आपको दोनों टीम की प्लेइंग 11 तो आप देख ही चुके हैं, और जो दोनों टीम की की प्लेयर हैं वो भी आप देख चुके हैं, और जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई तो उसमें आप जाके आराम से देख सकते हैं। उसके बाद बात करें जो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन, तो इसमें आप शरद को मना सकते हैं क्योंकि ये 4 ओवर फेंकते हैं और बैटिंग करने भी आते हैं 2-4 डाउन में। उसके बाद बात करें अविनाश, फ्रेंड्स ये एक कंसिस्टेंट बॉलर हैं और ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो आप इन्हें ले सकते हैं और बैटिंग भी कुछ कर लेते हैं। उसके बाद बात करें स्टोरी विनी, फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर बने हैं इस KPL में, तो ये तो सब लोग ने नहीं चूज़ किया रहेगा, तो अगर ग्रैंड लीग में आप तो कुछ डिफरेंस कीजिए, बट आप ये भी जा सकते हैं वाइस कैप्टन चेंज करके। उसके बाद बात करें जो हुएर है, ये एक इनफॉर्म बैट्समैन है और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं और 2-3 ओवर भी डाल रहे हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स नवीन की, तो नवीन एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है सिमिलर टू बिनी के जैसे, और एक परफेक्ट ऑलराउंडर है। फ्रेंड्स ये हो गई टीम न्यूज़, और मैं आपको टीम न्यूज़ दे दे रहा हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसमें 4 टीम बनाई, फ्रेंड्स आई एम सॉरी टू से मैंने टोटल 20 मेरी न्यूज़ है, तो प्लीज़ आप उसको ध्यान से लिसन कीजिए। फ्रेंड्स इसमें मैंने 4 टीम बनाई है, 2 ग्रैंड लीग के लिए और 2 स्मॉल लीग के लिए। तो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ मैंने, और देखिए जो शरद और भरत, इन दोनों में से कोई एक आज ओपन करेगा, और अविनाश जो हैं जो कि बॉलर हैं वो तीसरे नंबर पर आज नहीं आएंगे क्योंकि लास्ट मैच में इस 3rd नंबर पे आए थे, और ये क्योंकि एक परफेक्ट बॉलर है, आज कुछ बैटिंग ऑर्डर में चेंज हो सकता है। फ्रेंड्स उसके बाद बात करें नवीन जो है वो मतलब कि 1 डाउन पे नहीं आएंगे क्योंकि पिछले मैच में 1 डाउन पे आए थे, और वो इस मैच में अपने जो ओरिजिनल इनका बैटिंग ऑर्डर है उसमें आ सकते हैं, जो कि ये खेलते हैं अपना मिडल ऑर्डर में। उसके बाद बात करें किरण या अब्बास, आज ओपन कर सकते हैं या तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें विकेट कीपर, दोनों विकेट कीपर अच्छे हैं। और बात करें जो भरत चिपली हैं और मोहम्मद था, दोनों में से किसी एक को लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं, बट एक दो मैच में। आज फ्रेंड्स कोई भी जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन में कोई भी बड़ी इनिंग खेल सकता है, तो आप कोशिश कीजिए कि एक टीम में आप अपने मोस्टली टॉप ऑर्डर बैट्समैन को लीजिए, कि जो ओपनिंग और 1 डाउन के बैट्समैन हैं उन्हें लीजिए, एक टीम में आप रिस्क लीजिए, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ अगर अच्छा कोई खेल गया तो उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद बात करें कि जो ग्रैंड लीग जो ड्रीम इलेवन की टीम है उसमें हर टीम में नेगी हो गए और बिनी, ये हर टीम में होंगे, तो आप अपने हिसाब से लीजिए। उसके बाद बात करें आप निधीश और रक्षित, इन दोनों में से किसी एक को आप मतलब इन दोनों को ले सकते हैं एक साथ में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद बात करें आप बिनी, भरत, हुवेर, नवीन, मिथुन और अविनाश, आप इन लोगों को ड्रॉप ना करें। और उसके बाद बात करें जो के अब्बास, आज फिर से ओपन कर सकते हैं बट श्योर नहीं है। फ्रेंड्स जो शरत है ये 3 या 4 नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं, और 4 और कोई 4 ओवर फेंकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स एक और जो न्यूज़ है वो है दूध मनी को लेकर, ये एक अटैकिंग बॉलर है और इन्हें आप ग्रैंड लीग में ले सकते हैं एज इन रिस्क के साथ, बट आप एक टीम में इनको लेके चांस देखिए, आप चाहे तो इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स जो ग्रैंड लीग की मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, ये जो के अब्बास हैं ये जो है स्टार्टिंग से ही ओपनिंग करते आ रहे हैं, बट लास्ट मैच में इन्हें मिडल ऑर्डर में उतारा गया था, बट इस बार पॉसिबल चांस है कि इन्हें अपने मतलब शायद टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने को मिल सके। इन्हें फ्रेंड सिर्फ ओनली फॉर
6% लोगों ने लिया है फ्रेंड्स, ये ग्रैंड लीग की न्यूज़ है, इन्हें सिर्फ 6% लोग ने ही लिया है। तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है ग्रैंड लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स हेगड़े के, ये एक 16 साल के स्पिनर है, यंग स्पिनर हैं और ये बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, हर मैच में एक विकेट तो निकाल ही रहे हैं और इन्हें सिर्फ 7% लोगों ने लिया है। तो आप अगर आपको इन्हें लेना है तो आप ग्रैंड लीग में 20 से लेकर 200 के बीच में आप इन्हें ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद बात करें जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि गौतम को फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है आपके लिए, ये तो ये बट चॉइसेस योर, क्योंकि इन्हें सिर्फ इन्हें आप अगर आपको लेना है तो आप इन्हें सिर्फ एक ग्रैंड लीग की टीम में लीजिए और इन्हें आप कैप्टन बनाइए। अगर ये खेल गए तो आई एम श्योर आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें सिर्फ 4.31% लोगों ने ही लिया है। और फ्रेंड्स बात करिए जो कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि जो प्लेयर नहीं खेलता उन्हें भी लोग ले लेते हैं, बट आप ऐसा बोलेंगे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक टीम में चांस लीजिए, तभी आपको ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। उसके बाद बात करें शेखावत फ्रेंड्स, जो कि ये ऑलराउंडर हैं, इन्हें सिर्फ आप देख सकते हैं सिर्फ 15.54% लोगों ने ही लिया है, तो आपके लिए एक अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद बात करें जो और एक प्लेयर हैं वो है जैन, कहाँ गए भाई जैन, यस सुनील कुमार जैन, इन्हें सिर्फ आप देखिए सिर्फ कितने, सिर्फ 5.949% लोगों ने लिया है, उनका खेलने का चांस है, बट ये एक रिस्क है क्योंकि पिछला मैच नहीं खेले थे, तो आपके पास एक रिस्क हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए टोटल न्यूज़, आई एम सॉरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट क्या करें कुछ न्यूज़ ही ऐसी है, मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, ये फाइनल मैच है, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सब जीतें, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी इस वीडियो को वॉच कीजिए पूरी। अब उसके बाद बात करें, मैं आपको टीम बता दूँ जो मेरी फर्स्ट टीम है, ये जो फर्स्ट टीम है मैं इसमें, ये मेरी स्मॉल लीग के लिए टीम है, तो मैं यहाँ पर विकेट कीपर ले रहा हूँ किरण को ले रहा हूँ, उसके बाद भरत को ले रहा हूँ, भरत चिंपली को ले रहा हूँ फ्रेंड्स, आप चाहे तो भरत चिंपली या मोहम्मद था, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, और मैंने आपको दोनों को लिया, बट आप चाहे तो दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। उसके बाद बात करें मोहम्मद था और भरत, दोनों से किसी एक को ही लीजिए। उसके बाद बात करें सुनील जैन, उसके बाद बात करें भरत और यार एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पर भरत चिंपली को हटा के मैं निधीश को ले रहा हूँ। और उसके बाद बात करें आप स्टोर्ड बिनी, मैं इस मैच में हुमेर को नहीं लिया हूँ, आप इसके बाद आप चाहें तो हुमेर को ले सकते हैं। उसके बाद स्टोर्ड बिनी, फिर हुमेर, फिर विनीत, अब आइए बॉलर में, तो इसमें मैं लिया मिथुन को, उसके बाद मैं लिया हूँ अविनाश को, और फिर लिया हूँ कामत को। तो फ्रेंड्स ये होगी मेरी टीम और मैं इस टीम को सेव कर लेता हूँ। आप अगर आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन की ऑप्शन चाहिए तो फ्रेंड्स एक और, अगर आप निधीश या नेगी दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, मैंने यहाँ पर निधीश को चूज़ किया, आप नेगी को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैप्टन रखूँगा स्टुअर्ट बिनी को और वाइस कैप्टन रखूँगा अविनाश को फ्रेंड्स, क्योंकि ये बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो किसी ऑलराउंडर में से आप कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हैं। तो ये टीम मैं सेव कर लेता हूँ, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, और मैं जो ये सेकंड टीम है मेरी स्मॉल लीग के लिए टीम है, इसमें मैं लूँगा विकेट कीपर शरद, और फिर इसमें लूँगा मोहम्मद ताहा, फिर निधीश और रक्षित। उसके बाद बात करें ऑलराउंडर में, तो मैं यहाँ पर स्टोर्ट बिनी, हुमेर और विनीत को लूँगा, क्या नाम भाई विनीत ही है ना, नहीं नवीन को लूँगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर मैं बॉलर में चार लिया हूँ, मिथुन, अरविंद, अविनाश और मोरे। फ्रेंड्स ये होगी मेरी टीम। अब तो इस टीम में आप चाहे तो कैप्टन या वाइस कैप्टन तीनों ऑलराउंडर में से किसी एक को ही रखिए, या तो स्टोर्ट बिनी, हुमेर और नवीन, इन तीनों में से किसी को कैप्टन रखे, या इन दोनों में से किसी एक को वाइस कैप्टन रखे। तो मैं पर कैप्टन रख रहा हूँ हुमेर को, वाइस कैप्टन रख रहा हूँ विनीत को। फ्रेंड्स ये होगी मेरी सेकंड टीम, और ये मेरी थर्ड टीम जो है ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ विकेट कीपर, मैं किरण को ले रहा हूँ, बैटिंग में ले रहा हूँ मोहम्मद ताहा, सुनील जैन, फ्रेंड्स सुनील जैन के साथ मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि इन्हें मैं एक रिस्क के साथ खेल रहा हूँ फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहें तो आप किसी और को ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ भरत को, फिर निधीश को, उसके बाद मैं ऑलराउंडर में यहाँ पर ले रहा हूँ स्टोर्ट बिनी, हुमेर, नवीन, मैं यहाँ पर नवीन की जगह पे शेखावत को ले रहा हूँ। और उसके बाद बात करें मिथुन, अविनाश और कामत को ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ये होगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम, जो मैं यहाँ पर कैप्टन रख रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं जो ग्रैंड लीग की टीम है इसमें थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कैप्टन रख रहा हूँ शेखावत को, और जो मेरे वाइस कैप्टन होंगे वो होंगे मैं किसी बैट्समैन या फिर मैं सुनील जैन को बना सकता हूँ। अगर आप चाहे तो आप, मैं इसमें भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी ऑलराउंडर या बैट्समैन को यहाँ पर बनाए कैप्टन या वाइस कैप्टन, क्योंकि हम जो चौथी टीम है उसमें मैं एक बॉलर को
अपना एक ऑलराउंडर में आई मीन वाइस कैप्टन बनाऊंगा। तो ये होगी टीम सेप के लिए मैंने फ्रेंड्स, ये होगी मेरी चौथी टीम यस, ये होगी मेरी चौथी टीम। इस ये भी ग्रैंड लीग के लिए फ्रेंड्स, इसमें मैं ले रहा हूँ शरद को। यहाँ पर देखिए मैं भरत और चिंपली दोनों में से किसी आई मीन भरत चिंपली और मोहम्मद ताहा दोनों में से किसी को भी नहीं लिया हो फ्रेंड्स। ये जो मेरी चौथी टीम है मेरी मोस्ट रिस्क हाई रिस्क टीम है, बट अगर चल गई तो वी आर विन द ग्रैंड लीग आई एम श्योर। और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं नेगी को, अब्बास को, निधीश और रक्षित को। अब इसके बाद मिला स्टोर भी नहीं हुएर और नवीन को। अगर आप चाहे तो एक रिस्क ले सकते हैं फ्रेंड्स, एज इन अगर आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रहा हूँ वो भी गौतम के ऊपर, बट मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। मैं यहाँ पर इनको ही चूज़ करने जा रहा हूँ। ओके मैक्सिमम 7 प्लेयर। ओके मैं यहाँ पर देखिए एक हाई रिस्क में ले रहा हूँ क्योंकि ये मैच में क्या है कि किसी को पता नहीं कौन कौन खेले कौन नहीं खेले, बट मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो जहाँ तक उम्मीद है ये नहीं खेलेंगे के गौतम नहीं खेलेंगे, बट एक रिस्क लेके साथ जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं मिथुन को नहीं ले रहा हूँ, ना ही अरविंद को ले रहा हूँ। यहाँ पर ले रहा हूँ अविनाश को ले रहा हूँ, कामत को ले रहा हूँ और मोरे को ले रहा हूँ फ्रेंड्स। ये हो गई मेरी टीम। अगर आपको इसमें ऑप्शन चाहिए तो आप नेगी की जगह पर चाहे तो भरत चिंपली को ले सकते हैं और हुएर। और यहाँ पर चलिए हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आप यहाँ पर मैं कैप्टन जो है मोरे को बनाऊंगा वाइस कैप्टन फ्रेंड्स। ये मेरी हाई लेवल की हाई रिस्क टीम है और मैं यहाँ पर कैप्टन बनाऊंगा के गौतम को। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर आपको के गौतम की जगह पर चाहे तो शेखावत को ले सकते हैं या हुएर को ले सकते हैं। तो ये हो गई टीम फ्रेंड्स, मेरी चौथी टीम काफ़ी हाई रिस्क टीम है। सो प्लीज़ आप अपनी रिस्क पे ही लीजिए। ये अब आप फटाफट टीम का प्रीव्यू देख लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। ये होगी फर्स्ट टीम की प्रीव्यू, ये हो गई टीम सेकंड की प्रीव्यू, टीम थर्ड की प्रीव्यू और टीम फोर्थ की प्रीव्यू। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप चाहे तो के गौतम की जगह पर किसी और को ले सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।